हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। आप सबको नए साल की ढेर सारी बधाई और नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। और वीडियो की शुरुआत देखिए इतने प्यारे से गुलदाउदी के फ्लावर के साथ जो मेरे कटिंग से लगे प्लांट में आ रहे हैं। तो जहां मैं कटिंग की बात कर रही हूं, तो आज का टॉपिक भी यही है। तो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी इस सीज़न पे अब नए साल की पार्टी तो हमने कर ली। पैर में दर्द हो रहा है, इतनी मस्ती की है हम लोगों ने, पर अब अपना गार्डन तो देखना ही पड़ेगा ना। तो जो भी बिगनर्स हैं और कम खर्च में बिना नर्सरी जाए अभी भी प्लांट्स को अपने गार्डन में बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ सीड से और कटिंग से लगने वाले प्लांट्स दिखा भी देती हूँ और बता भी देती हूँ कि कौन कौन से प्लांट अभी आप इजीली बढ़ा सकते हैं अपने गार्डन में। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पहला मैं सदाबहार ही दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सीड से निकला प्लांट है। आप इसको निकाल के किसी और प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया, ये देखिए ये सीड से लगा प्लांट है, इसको भी आप किसी और पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है पॉइनसेटिया, ये भी लग चुका है, इसको भी आप कटिंग से आराम से ग्रो कर सकते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये कॉस्मोस में बर्ड्स बन रहे हैं और सीड से देखिए एक प्लांट से यहाँ रेडी है। इसको मैं निकाल के किसी और पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। सेम ऐसे ही ये देखिए तीन प्लांट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तीन नहीं, सॉरी दो ही हैं, दो नहीं तीन हैं, तीन है, एक छोटा है। तो इसको भी मैं अलग अलग प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी। और पीले कलर के फ्लावर कितने सुंदर लगते हैं हमारे गार्डन में, ये सबको पता है। उसके बाद ये देखिए कैलेंचो तो है ही हमारा, बहुत प्यारा सा प्लांट। और कटिंग इसके कटाई छटाई करते टाइम आप कहीं भी गड़ा दीजिए। देखिए ये प्लांट मेरा रेडी है, मैं इसको कोई नया पॉट दूंगी और ये पौधा तैयार है। वैसे ही ये देखिए ये गुलदाउदी है, यहाँ से एक टहनी लेके मैंने इसमें लगा दिया था। ये देखिए ये प्लांट भी रेडी है। बाकी ये मैरीगोल्ड के आप देख ही रहे हैं, जिनको मैं प्लांटर भी दे चुकी हूँ। और दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैरीगोल्ड और ये देखिए ये गुलदाउदी। ये देखिए ये डहलिया है, ये प्लांट लग चुका है। देखिए इसको मैं किसी और में भी शिफ्ट कर सकती हूँ और इसी में भी रहने दे सकती हूँ। और कितने सुंदर फ्लावरिंग होती है डहलिया में, सबको पता है। ये देखिए ये जीनिया है, ये भी जीनिया है, ये छोटे छोटे तो ये सदाबहार निकले ही हैं। ये सबको मैं अलग अलग पॉट दे दूँ तो आप सोचिए कितनी सारी फ्लावरिंग होगी मेरे गार्डन में और कितने सारे प्लांट मेरे बन जाएंगे। कहीं मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सुंदर फ्लावरिंग करते हैं ये प्लांट। ये देखिए ये छोटे 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 प्लांटर में मैं इनकी कटिंग लगा के रखी और ये सारे प्लांटर मेरे रेडी हो गए। ये देखिए यहाँ से आप इतना काटिए और इसी मिट्टी में दबा दीजिए कहीं भी, तो इतने प्लांट रेडी। और ये देखिए ये पेंटास का है, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी ये लग गया है, अभी मैं हाल में ही लगाई हूँ दो तीन दिन पहले। और ये देखिए सारे कोलियस के प्लांट लग चुके हैं। आपको कोई नया कोलियस नर्सरी से जाके लाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कलर भी फैला दो पूरे गार्डन में तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये प्लांट। ठीक ऐसे ही देखिए ये बेबी डॉल का प्लांट है। देखिए इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर हैं, अभी ये डस्ट है इनके ऊपर, धुलाई नहीं हुई इसलिए ऐसे लग रहे, नहीं तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये सब कटिंग से ही मैंने लगाए हैं। देखिए ये देखिए छोटे छोटे पॉट में ये कितनी सुंदर सी रंगत ऐड कर रहा है, एक अलग ही कलर ऐड करता है आपके गार्डन में। और बाकी इसकी कटिंग तो पता ही है आपको, जगह जगह आप लगा के लटका सकते हैं।
उसके बाद ये देखिए ये यूफोरबिया मिली, ये देखिए पूरा इतनी इतनी कटिंग आप लेके कहीं भी गिरा दीजिए, इसके न्यू प्लांट अभी भी रेडी हो जाएंगे। कोई ये सीजन ऐसा नहीं है कि इसमें प्लांट हम कटिंग से नहीं लगा सकते, आराम से। देखिए इनको भी मैं अभी ही लगाई थी और देखिए ये लग गए और कितने सुंदर से ट्रेल कर रहे हैं। तो बस आप उसको थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखिए, ओवरवाटरिंग से बचिए, तो अभी भी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। मेरे तो अनगिनत प्लांट नए नए रेडी हो रहे हैं, मैं उनको प्लांटर दे भी नहीं पा रही हूँ। तो ज़रूर करिए ये आप भी। आप देख सकते हो कि जगह जगह मैंने छोटे छोटे डिब्बों में जिसमें भी मेरे को जगह मिल रहा है मैं सब में इनको लगाती जा रही हूँ। कुछ टाइम बाद इतनी फ्लावरिंग करेंगे कि पूछिए मत। और ये हार्डी प्लांट होते हैं। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज के लिए कैसी लगी मेरी शेयरिंग कमेंट्स करके बताइए। और बस ध्यान रखिए अपना और अपनों का ढेर सारा, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें और नए साल को खूब एंजॉय करें। अपनी जितनी भी पुरानी आदतें हैं छोड़ दें, कुछ अच्छे शौक पालें, कुछ अच्छी आदतें बनाएं। इसी शुभकामना के साथ बाय।